सो हेलो गाइस, एकदम दोबारा से तुम लोगों का ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर वेलकम बैक हो चुका है। तो बेसिकली हम लोगों ने GTA 5, जो कि तुम लोगों को पता ही है एक वर्ल्ड वाइड गेम है, हमने उसकी एक स्टोरी लाइन शुरू की है। मतलब कि हम वो मिशंस जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किए हुए, वो हम मिशंस की स्टोरी लाइन जो है वो क्रिएट करके आप लोगों के सामने रखेंगे। अब उस स्टोरी लाइन के अंदर बेसिकली होगा कि मेरी आवाज़ जो है वो बहुत कम आया करेगी, लेकिन तुम लोगों को मिशन पूरा देखना पड़ेगा। बेसिकली इट्स स्टोरी लाइन, बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह से अंग्रेज़ों की फिल्मों देखते हैं ना, उसी तरह से हम लोगों ने वीडियो देखनी है। अभी बेसिकली हमारा जो टारगेट है ना, वो ये है कि एक आर्मी का टैंक आ रहा है, हमने उस टैंक को जो उसका अंदर माल है ना, उसको चोरी करना है। तो सबसे पहले हम ये ट्रैक्टर को यहाँ से बंदे को मारते हैं, और ये ट्रैक्टर पकड़ के ना बंदे को पेलने के लिए निकलते हैं भाई, क्योंकि ये मिशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका थंबनेल और टाइटल से भी तुम लोगों को पता चल गया होगा कि ये वाले मिशन के अंदर तो फिर भी मैं बात कर पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें बात करना ज़रूरी है। बाकी जो आगे के मिशन जाएंगे, जब स्टोरी लाइन चलेगी तो उसमें बात नहीं होगी, वो बहुत मज़े की। जिस तरह से ना तुम लोगों को बिल्कुल वो वाली फील आएगी जिस तरह से अंग्रेज़ों की फिल्में होती हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि यार बहुत बड़ी गेम है GTA 5। तो यार ये वाली गाड़ी तो बहुत ही गंदी है, इसको रोक के ना इससे ये जीप लेता हूँ। ये जीप लेना इससे ज़रूरी है, वरना तो वो टैंक निकल जाएगा यार। एक सेकेंड, चलो बेटा घर जाओ, उतरो 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 उतरो, चलो। तो यहाँ से यार हम लोगों ने ये जीप ले लिया, हम यहाँ से अब निकल रहे हैं सीधा अपने टारगेट की तरफ। तुम लोग मैप के अंदर देख सकते हो छोटे छोटे ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ट्रेवर ने हमें बताया था कि ये मिशन जो है वो इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरे पास गन्स जो हैं वो भी बहुत थोड़ी सी हैं। तो हम लोग कभी भी, हम लोग सारी बातें उल्टे पैदा हुए थे, उल्टे बंदे, तो उल्टे रास्ते से जाएंगे। सीधे बाय रोड का रास्ता है, शायद जल्दी भी पहुँच जाएंगे, लेकिन कीड़ा है उल्टे रास्ते जाने का, सही है। तो तुम लोगों ने अभी तक अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना यार, तो तुम लोग भाई क्या कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब करो और फौरन से नॉट गेमिंग आर्मी को ज्वाइन कर लो। तुम लोग देख सकते हो कि ये आर्मी के दो, एक टैंकर और पीछे जो गाड़ी है जो वो आ चुकी है। अब सीन इस तरह का कुछ है कि हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, और मुझे जो मिशन की समझ आ रही है ना, वो मुझे ये समझ में आ रही है कि किसी रोड के ऊपर ना स्टिकी माइंस लगा कर हम लोग जो है वो अपने काम को सर अंजाम देंगे। तो हम ज़रा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनसे आगे आ जाएंगे, और आगे आके हम यहाँ पे रुकते हैं मेरे ख्याल से, इस रोड से गुजरेंगे और हम यहाँ से उनको फाड़ देंगे। एक सेकंड रुको ज़रा, मैं यहाँ पे एक स्टिकी माइन लगाता हूँ, इस जगह के ऊपर लगाता हूँ। अरे यार ये देख इसको, मादर चौथ के बच्चे, वो कितना बड़ा गांडू था यार, देख गिरा के चला गया। मुझे नहीं लगता ये वाला, अरे भाई वो तो मुड़ गए वहाँ पे, अरे वो तो मुड़ गए वहाँ पे, अरे यार। चलो एक सेकंड दोबारा से बैठते हैं। मुझे लग रहा है स्टिकी माइंस जो है ना वो गाड़ी के ऊपर चिपकानी है, लेकिन यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जैसे ही गाड़ी के ऊपर चिपकाएंगे वो फौजी तो हमें भून देंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई प्रो बंदा है भाई। प्रो बंदे जो होते हैं ना, प्रो बंदे वो कभी भी हार नहीं मानते, सही है। अब यहाँ से हम निकलते हैं कच्चे रास्ते से, और सामने ब्लू कलर के डॉट्स जो है वो तुम लोगों को दिख रहे होंगे, और यहाँ पे हम, अरे भाई ये रहा, और माइंस हमने चिपका दिए, माइंस हमें चिपका दिए। अरे 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 भाई, बैक 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 भाई, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है, बहुत डाडी किस्म की उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, और मुझे इसी चीज़ का ख़तरा था। और अभी इस वक्त मसला हो गया, मेरी गाड़ी जो है वो पूरी तोड़ फोड़ दी उन्होंने। हम यहाँ पे गाड़ी को भी किसी जगह के ऊपर सेफ जगह पे लगाते हैं। यार ये मादर, ये रेडियो जो ऑन हो जाता है ना भाई, इतनी मौ कसम मुझे खुंदक चढ़ती है ना रेडियो से। मुझे अगर इसके डेवलपर से मिला देना, मैं कहूँगा भाई रेडियो को गांड में डाल लो अपनी, रेडियो नहीं चाहिए भाई अभी। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो भाई, खून शून निकल गया, दो गोलियाँ लगी हैं हमें, लेकिन कोई बात नहीं। हम यहाँ पे अब गाड़ी को किस जगह के ऊपर रोकें, यहाँ पे यार ये एक तो खड्डे, ये क्या आए हुए हैं ये। चलो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे निकालते हैं, और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो मुझे पता है उन्होंने फिर से फायरिंग करना स्टार्ट कर देनी है। और ये देखा ये गोलियाँ मारना उन्होंने फिर से शुरू कर दी। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इस जगह पे इसको, यहाँ पे गाड़ी को रोकते हैं, और हम निकालते हैं अपनी स्नाइपर। और स्नाइपर भी यार फिर भी सामने तो आना ही पड़ेगा ना, वो तो मेरे ख्याल से 8-9 फौजी हैं, लेकिन हमें यह है कि हम इनको एक ही झटके के अंदर रॉकेट लॉन्चर से उड़ा सकते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं उड़ा सकते क्योंकि ट्रक के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान है, और वो सामान हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। तो सामान को तो भाई इस तरह करना तो कोई मसला है ही नहीं। और ये हमने एक बंदे को पेल दिया, और ये दूसरे बंदे, अरे भाई बहुत तेज़ गोलियाँ चला रहे हैं यार, ये इतनी तेज़ गोलियाँ चला रहे हैं ना कि ये यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। पर्सनली मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। एक काम करते हैं यहाँ से, अरे 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 पीछे हो जा भाई, आगे से गोली मारी है, पीछे गांड के ज़रिए से निकली हुई है, देखो तुम लोग। एक सेकेंड ये क्या भाई, तकरीबन सारे बंदे तुम्हारे भाई ने पेल दिए हैं। अभी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि, अब यार मुझे यहाँ पर बंदे भी नहीं दिख रहे ना, एक तो इन्होंने इनकी वर्दी जो है फौजियों की, ये US के इतनी की फसूल वर्दी है, क्या ही बताया बंदा तुम लोगों को। भाई तुम लोग सही तरीके से वर्दी पहनो ताकि तुम्हारे दुश्मनों को दिखे, बापू को दिखे तुम्हारे। अभी देखो एक सेकंड, मुझे यहाँ पे कोई बंदा दिख नहीं रहा है, पर पाकिस्तान की फौजियों की वर्दी चाहिए। यहाँ पे इसको पेल दिया हमने, यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। मजाक करो भाई, US के फौजियों की बड़ी अच्छी वर्दी है।
गेम के अंदर जो फौजी है ना इनकी नहीं अच्छी। तो अभी यहाँ पे वो सामने तुम लोग देख सकते हो ट्रक के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ, इसको पेलेंगे, चलो बेटा घर जाओ घर जाओ चलो। अब मेरे ख्याल से एक रेड डॉट मुझे यहाँ पे दिख रहा था, रेड डॉट मुझे दिख रहा था यहाँ पे इस जगह के ऊपर, हाँ ये रहा, चलो बेटा घर जाओ। अब मेरे ख्याल से सारे के सारे फौजी जो है मर चुके हैं, इसको एक दफ़ा दोबारा मार देंगे क्योंकि ये रेड डॉट अभी भी दिखा रहा है। चलो ये हो गया, अब हमें जीप से हमारा कोई काम नहीं है, हमारा बेसिकली सरोकार जो है वो ट्रक से, ट्रक के अंदर हम बैठते हैं क्योंकि इसके पीछे जो एक माइंस पड़ी हुई है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम लोगों को पता है भाई डॉन है हम लोग। तो यार तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर तुम लोग वीडियो के इस टाइम स्पैन तक पहुँच चुके हो तो तुम लोग लाजमी सब्सक्राइब के बटन के ऊपर कूद कर उसको सब्सक्राइब कर दो और हमारी नोयाड गेमिंग आर्मी के अंदर शामिल हो जाओ। तो मुझे पता है तुम्हारा भाई जो है बहुत ज़्यादा सुस्त है, बहुत देर देर से भाई वीडियोज़ आ रही हैं और मैं दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होगा जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। अब वीडियो जो है वो इंशाल्लाह हफ्ते में 4 तो अपलोड हुआ ही करेंगी। तो यहाँ से अब हम ट्रक को लेके ना, और इस ट्रक को भी हम, जैसा कि तुम लोगों को पता है तुम्हारा भाई है उल्टा, सही है, हम इसको यहाँ से उल्टे रास्ते से लेके जाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे हम इस ट्रक को। और क्योंकि यार अगर बाय रोड से जाएंगे ना, मैं तुम लोगों को सीरियसली बताऊँ, बाय रोड से जाने में ना कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हम नज़र में आ सकते हैं, क्योंकि आर्मी का जब ट्रक चोरी होता है ना, तुम लोगों को पता है आर्मी बहुत पावरफुल है, अगर जब आर्मी का ट्रक चोरी होता है ना तो बड़े मसले मसाइल भर जाते हैं, नाके लग जाते हैं और पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं। तो अगर वो देखेंगे कि यार ये ड्राइवर तो है नहीं कोट पैंट के अंदर, कौन ट्रक चला रहा है, तो हमें पकड़ लेंगे, इसलिए हम जो है वो उल्टे रास्ते से जाएंगे। तो यहाँ से तुम लोग देख रहे हो कि गाड़ी का अगला टायर पूरा का पूरा फ्लैट हो चुका है, ये वाला, ये देखो ड्राइविंग सीट के साथ वाला टायर की इसकी रबड़ भी उतर चुकी है, और मेरी जो ड्राइविंग सीट के साथ वाला टायर है वो पूरा टेढ़ा हुआ है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। और उसके बावजूद तुम्हारे भाई की, ये देखो देखो टायर देख रहे हो, और उसके बावजूद तुम्हारे भाई की ड्राइविंग स्किल्स के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है भाई, कि तुम लोगों का भाई किस तरह से ट्रक को यहाँ पर लेके आया। भाई आसान काम नहीं है, ट्रक उलट जाता है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो ट्रक को बाय रोड लेके आ चुके हैं, और अब हमारा जो डेस्टिनेशन है वो भी बहुत थोड़ी सी रह गई है, करीब ही रह गई है। तो यहाँ पे हम वीडियो को भी अब हम एंड करने लगे हैं, और तुम लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो यार। अभी जो है वो हम यहाँ पे तकरीबन पहुँच ही चुके हैं, एक सेकेंड में तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, येलो वाला निशान हमारा बहुत करीब है, यहाँ से मेरे ख्याल से अंदर होना है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमारा कहीं पर अड्डा है, मैं पहली बार आ रहा हूँ अपने अड्डे पे माशाल्लाह से। और ये हाँ ये यहाँ पे हम इस ट्रक को जो है वो पार्क करेंगे और हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। तो चलो यार मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ, हमारा मिशन जो है वो पास हो चुका है। अब इंशाल्लाह कल या परसों एक और मज़ेदार वीडियो अपलोड करेंगे। तुम लोग अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोगों के प्यार मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो।